दिल्ली से, और मेरे आगे कट है, वहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड आके उसमें से तीन निकले और सीधा हमला बोला गाड़ी पे, बोले कैसे दो कैसे दो, और मुझे मारना चालू कर दिया, दोनों साइड के शीशे फोड़ दिए। कितने लोग थे? चार लोग थे, एक ड्राइवर थे और तीन उसमें सवार थे। वो तीनों डंडे लेके आए थे और एक हथियार उसके साथ में था। नकाबपोश थे, सो बांध रखे थे, उतरते ही उन्होंने सीधा पहले शीशा तोड़ दिया आते ही, उसके बाद सामने का नहीं, साइड शीशा, दोनों साइड के। आपसे क्या बोले? तीन उतर के आए थे। बोला कैश दे, मैंने कहा कैश मेरे पास कहाँ से आएगा कैश, फिर मैडम उतर उधर खींचने लगे दोनों साइड से इसे। ये कहाँ पे घटना कहाँ हुई थी? ये सामने बिल्कुल, क्या कहाँ हुई थी? ये आगर आगर गांव है, आगर गांव घटना स्थल पे। चलो धर्मेंद्र नाम है। ये लूट की घटना के पीछे जो कंपनी है, क्यू इवेंट करके कंपनी है, रितिका अरोरा इसकी डायरेक्टर हैं और ये दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली से कंपनी आ रही थी, यहीं से लगभग 500-700 मीटर आगे से एक गाड़ी इनकी गाड़ी के सामने बढ़ाया उन्होंने, और उसमें से तीन बदमाश उतरे और उन्होंने सीधे इनसे कैश की डिमांड की, शीशा तोड़ दिया गाड़ी का, और जो कैश इनके पास था बैग में वो लेकर के वो चले गए। कितना कैश होगा? 8 लाख रुपए के आसपास बता रहे थे। सर क्या कारण है कि दिन दहाड़े लूट हो जाती है, वो भी नोएडा जैसी जगह पे, एक दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पे पूरा यदि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यदि आए दिन इस तरीके की वारदातें देखने को मिलती है, क्या कारण है कि पुलिस प्रशासन जो है एक सख्ती नहीं अपना पा रहा है? देखिए सख्ती तो निश्चित रूप से हो रही है, उसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है, और घटना जो हुई है ये भी घटना वर्कआउट होगी। प्रयास पूरा किया जाता है कि हम सुरक्षा पूरी मुहैया कराएं, लेकिन आप जानते हैं कि क्षेत्र बड़ा है, इंडस्ट्रियल इलाके हैं, और कहीं ना कहीं से अपराधी भी अपनी सुराग कहीं ना कहीं इस तरह से के लोगों के साथ भिड़ाए रहते हैं। इस घटना में भी हमें लगता है कि जल्दी ही मनावरण करके आप लोगों को कुछ लीड मिला है कि ये कहाँ से आए थे? नहीं, अभी लीड नहीं हुई ऐसी है। ये लोग दिल्ली से चले हैं पैसे लेकर के, और यही कंपनी में इनको आना था, अभी कोई ऐसी लीड नहीं है कि कहाँ से। तीन बता रही है मैडम, कहाँ रहती हैं सर? मैम जंगपुरा में। ये पैसा कहाँ से कहाँ? पैसा ये कंपनी में सैलरी इन्होंने कल बांटा था, जो बचा हुआ पैसा था वो ले गई थी, आज भी सैलरी प्रायः 3-4 दिन में ये बांटती हैं। हाँ, जिस गाड़ी से आ रहे थे शीशे बंद थे, तो उन्होंने पहले गाड़ी आगे भिड़ाई, जब गाड़ी रुक गई तो उन्होंने तुरंत शीशे तोड़ा, इस नाते कि शीशे न तोड़ते तो गाड़ी खुलती नहीं, और उन्हें मालूम था कि कैश है, कैश है, कैश की केवल डिमांड किया। मैडम के साथ कोई और भी था? उनकी एक और ऑफिस एम्प्लॉई थी और ड्राइवर था। जैसे बदमाशों ने गाड़ी रोकते कैश की डिमांड की, तो उससे क्या लगता है? अब मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जिनको उस तरह से बता पाना ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई मुखबिरी हुई हो।